Deta. अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज बाबू पिस्तौल और मैं आपका दोस्त बाजवा जी एक डिस ट्रैक के साथ आपके सामने आज हाजिर हैं। और डिस ट्रैक बहुत मजे का है, यंग गालिब का और कर्मा का। आपको पता है बीफ चल रहा है, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे एमिवे के गाने को जब रिएक्ट किया, वो भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर देखिएगा। बाकी यंग गालिब का और कर्मा का तकरीबन 10-12 दिन पहले से बीफ चल रहा है। और पहले यंग गालिब की तरफ से एक गाना आता है, उसके बाद फिर कर्मा की तरफ से एक गाना आता है, फिर यंग गालिब की तरफ से एक गाना आता है। तो ये जो लास्ट ट्रैक है हम आज उसको रिएक्ट करने जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पिछले ट्रैक्स जो हैं आए हैं उनके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे, देखेंगे क्या बनाया। टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर 10 नंबर हो गया। वार्निंग से बचकाने तू है माटा, तेरी कुर्बानी के पहले मैं पढ़ लू दो रखा। आंखों में गुस्सा था तो चश्मा पहना, वीडियो में आंखें दिखाता तो ये कुत्ता वहीं पे मुंह देता। छोड़िए सलमान देता ट्रॉफी कर तू स्टैन हो भाई क्या है ये, खीर कर दिया यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एमिवे को सुन जी, बिल्कुल लिरिकली अगर बात की जाए तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं एमिवे को सुन रहा हूँ और एक बहुत ही तगड़ा लिरिकली गाना है, ठीक है, फैक्ट्स के साथ वो बात कर रहा है। अगर आपने कर्मा का पिछला गाना सुना हुआ है जो डिस किया है इसको यंग गालिब को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यंग गालिब किन चीजों पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं साइन परेशानी है बेचारा, लिरिक है मेरे पास और मैं बाजी जीते जा रहा। गाने ताश खेलते जरा बनूनो नहीं, टू रिवर्स पत्ते डाल मैं आगे बढ़ते जा रहा। बोला वीडियो में मैंने मेरे लिप सिंग नहीं किया, तो खुद कौन सा किया, कुल्फे कुल्फी क्यों खा रहा। से निकाला पब्लिक को चुतिया बना रहा, अपने को डिंग आई ली अंदर से तो किससे दिखा रहा। फर्स्ट ऑफ फक यू बिच इन द लाइन क्ले, बस साइड धारा गया पूरा हाथ में गेम, हाथ ना छोड़ पब्लिक यूज योर ब्रेन। मातृभाषा मेरी देश हिंदी वे से ही सोया तेरी नींदे में उड़ाया, शुक्रिया कर मेरा तेको इतना कंसिस्टेंट बनाया। मैं सीखू इतना बुरा दिन नहीं आया, तू अंग्रेज वहां गया या अंग्रेज इधर आया। नहीं बदली मैंने तेरी भाई, ये क्या बोलती है, आड़ो बे तुझसे ज्यादा कर मेरा तेको इतना कंसिस्टेंट बनाया। तेरे से मैं सीखू इतना बुरा दिन नहीं आया, तू खुद वहां गया या काउंटर तेरे जैसे कि तेरा पर खाऊंगा बैठ के काउंट कर। ये फेडोल के काउंटर हमारा कंपनी, छापा तूने कंपनी, बिक्की वाली हरकतें खाएगा तू भी कंपनी। चली मत कर कोई नहीं अपना टक्कर, सबको लंड पे बिठा, सबको बिठाएंगे और सब बैठेंगे क्या। पहले बाल खड़े थे मेरे, अब लंड खड़ा नहीं होता। गलती कल तू यार बाल कर गया यार, तू मार सकता भाई। ये है असल बीफ, ठीक है यार, क्या कर रहा है ये बंदा यार, परेशान कर दिया उसकी तो यार। माँ बहन हम बोल नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते यार। बाकी यार कोई कसर नहीं छोड़ी यंग गालिब ने, ठीक है। और मजा इसलिए आ रहा है कि यार कर्मा किधर था, कब से कर रहा है, कब से वो कब से रैप कर रहा है। और ये यंग गालिब को अभी मैंने रिसेंटली 1-1.5 साल में सुनना शुरू किया, जब से बंटाई रिकॉर्ड्स आया है, ठीक है, तब से मैंने सुनना स्टार्ट किया। और कर्मा एक हिट रैपर, हिट रैपर, ठीक है, और उसको ये बंदा नचा रहा है, ठीक है, उसकी ले रहा है सीधे लफ्जों में ले रहा है। इसी बात है कि इसकी जो आवाज है उसमें भी दम है, और भाई इसके अल्फाजों में भी दम। भाई तारीफ इसलिए नहीं है कि ये बंटाई रिकॉर्ड से है, हम बंटाई के फैन भी हैं, बट ये है कि काम जो है ना लिरिकली बंदा जो है ना ले रहा है उसकी, जो सीधे लफ्जों में ले रहा है उसकी। पहाड़ों में है तुझसे ज्यादा अपना भाईचारा, के छोड़ रहे नीचे मेरे आन बनके, मैं खड़ा काउंटर पे ही आया पकवान बनके, तेरा लेवल बगाड़ा ला
फुटपाथ पे अभी मैं गाड़ी लेके आएंगा सलमान बन के ओयो जैसी शक्ल और तू ओबरो में चिल करता मेरे को खरीदेगा बताओ कौन तेरा बिल भरता बम्बई वाला स्लैंग बबली तेरे पे नहीं शूट करता अकाउंट होता भारी तो तू रोड पे नहीं शूट करता छुपने वाला अभी मैं ये खाने का काउंटर दे दे जैसे कि तेरा पर खाऊंगा बैठ के काम कर इतनी झाट जाता फेयर बॉल भी बाउंसर ये बार्स तेरे नहीं ये फेडॉल के काउंटर गांड मारा कंपनी छापा तूने कंपनी निकी वाली हरकतें खाएगा तू भी कंपनी राखी पिंकी बबली सबको लंड पे बिठाते ये सबको बिठाएंगे और सब बैठेंगे क्या पहले बात करनी तेरे अब लंड खड़ा नहीं होता है टेक्निकली टेस्टिकल तू नीचे बार बार हमने लड़ नहीं सकता बंडा गाले बियर के बिना कुछ बन नहीं सकता अब सुनने में आया कि तू कसाई बन के आया अब वही बन के रह रहा पर तू बन नहीं सकता पर बन नहीं सकता तू अकेला नहीं है खुद को स्टार बोले जो दुनिया में फैला नहीं है और रैपर सबका बाप जिसको छू दिया बुलाया उसी रैपर ने तेरे गैंग की खुदिया सुझाया बात मत कर तू यहाँ पे पैशन की वीडियो में छमिया जैसी चाल ये नहीं फैशन वीक राइटिंग सीख हाँ मेरी राइटिंग सीख क्लिप से इन गायब तेरी खेल रेला हाइड एंड सीक चलिए बीफ तो ले सलिया सी तो खाले गलिया गीस मैं घुमा गलिया बीस तभी मैं बैड एंड पीस हाँ सबका बदला लेगा फैसल पीछे हटना नहीं और कितनी करवा के लेगा बे बदनामी और तेरी लू मैं जरूरत नहीं जरूरत होगी तो पर्वत पे मिलने आऊंगा मैं तेको लेने दूंगा मैं करवट नहीं लाइफ मेरी मास अल्हम्दुलिल्लाह ओ तगला जब तू मुझसे भिड़ा आइस टू पसंद मैं तू वनीला ये तीसरा दा राउंड जो मैं तुझसे भिड़ा मालूम नहीं कौन सा राउंड चल रहा है तू जब जब आएगा तब तब खाएगा और अल्फाज इसके जो है ना बहुत ही भाई मुझे एमी वे याद आ गया और एमी वे भी वो तीन साल पुराना वाला ठीक है तीन चार साल पुराना रफ्तार के साथ वो जो इनका आपस में हुआ था क्लैश हुआ था बहुत बड़ा जिसने बहुत ही बड़ा हाँ जिसने पहचान करवाई थी एक इंडिपेंडेंट रैपर की एमीवे की उसमें से एमीवे बंटा है मालूम है ना हाँ बिल्कुल ऐसे अप आए थे जी बिल्कुल और अपने बलबूते पे आए थे और अभी तक खड़े हैं उसी जगह पे बिल्कुल और मजे की चीज ये है कि यंग गालिब उन्हीं के लेबल में से है एमीवे के लेबल में से है और बिल्कुल उनकी तरीके से ये बिल्कुल वही तरीका नजर आ रहा है लिरिकली मैं तो वही अगर देखूंगा उनके पास अगर इंडिपेंडेंट रैपर है ना हाँ यंग गालिब मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग गालिब जो है ना स्टैंड भी अपनी जगह पे है ठीक है वो उसका तो एक अलग स्टैंड तो अलग है इस टाइम बात हो रही है कलमकार की कलमकार उसने सॉन्ग में उसका भी नाम लिया है ना कि ट्रॉफी में सलमान भाई हाँ बट तारीफ की है ना उसकी तारीफ की है एमसी स्टैंड की एमसी स्टैंड अच्छा रैपर है जबरदस्त बट इस टाइम जो चल रहा है इस टाइम जो एक दूसरे के मुकाबले हैं वो है कलमकार और मंटाई रिकॉर्ड्स ठीक है इन दोनों का आपस में काफी टाइम से चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो भाई नंबर दूंगा सीधा सीधा मंटाई रिकॉर्ड्स को बिल्कुल प्रोडक्शन में भी और लिरिकली भी म्यूजिक में भी हर लिहाज से आगे चल रहे हैं और काफ़ी टाइम से आगे चल रहे हैं बाकी आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप कर्मा के फ़ैन हैं तो आप हमें ये बताएं कि भाई हम कहाँ पे गलत हैं ठीक है कर्मा के गाने को भी आगे इंशाल्लाह कल ही उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे जो सीन हमने देख लिया तो ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो सच है जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने लेके आ सके हमारा तो काम ही ये है बस बिल्कुल बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक करें और आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक ले दें इजाजत अल्लाह हाफिज़